मध्य प्रदेश के आस्था और पर्यावरण से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार सांस्कृतिक धरोहर सिद्धा पहाड़ में उत्खनन करे से मना कर दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार का बिहन एक जानकारी दी। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सबजने का प्रणाम करी थे और शुरू करी थे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्वीट करके कहें कि सिद्धा पहाड़ सतना जैसे अमूल सांस्कृतिक धरोहर स्थान जो उनके आस्था और श्रद्धा के केंद्र है, वहां के पवित्रता का अक्षुण्ण रखा जाए, यहां उत्खनन कोनो कीमत पर न की जाए। सतना जिला प्रशासन का अबे के खातिर निर्देश दे दिन गे हम। गौरतलब यह है कि सरकार पहले पहाड़ में खनन की अनुमति दे वाली रही, पर एकर भारी विरोध हुआ, जिसके कारण भगवान राम के नाम पर राजनीति चरम पर पहुंची। दरअसल भगवान श्री राम के तपोभूमि चित्रकूट क्षेत्र में खनिज के अकूत भंडार है। यह खनिज राम वन पथ गमन क्षेत्र में है और ऐसे में यहां खनिज के लीज का मंजूर करे के लिए सरकार के ऊपर सवाल उठत लागे रहे हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर रही। कांग्रेस सरकार के ऊपर भ्रम फैलाए के आपन बचाव करे के आरोप लगावत रही, तो वहीं दूसर कई साधु संत घलाए सरकार के कदम के जबरदस्त विरोध करे रहे। अपना बताए दें कि यह स्थान भगवान श्री राम के ऊपर आस्था रखे वालन खातिर बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जात है कि भगवान राम सतना जिले के चित्रकूट में ही वनवास के 12 साल गुजारे रहे और यहां से तपस्वी राम पुरुषोत्तम राम बने। पूरे चित्रकूट के क्षेत्र के जंगलन में ही राम के पदचिन्ह आजो मौजूद है, जिनका देखे खातिर भक्त आस्था के साथ यहाँ आवत हैं। चित्रकूट के साथ साथ सरभंगा सिद्धा सुतीक्षण आश्रम और सुम्भार पर्वत घलाए राम पथ में आवत हैं। ऐसे में भगवान राम यहाँ वनवास के समय काटे रहे। आपन और अपने परिवार के रखी विशेष ख्याल। कल फिर हाजिर हो कोनो खास खबर के साथ।